हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हलवाई स्टाइल नायलॉन सेव बनाने की रेसिपी, जो बनने में बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और घर में आसानी से बनाई जा सकती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नायलॉन सेव बनाने के लिए एक बड़े बोल में 250 ग्राम बेसन ले लिया है। बेसन आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, चाहे मोटा हो या पतला। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक मिला लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला लें। आधा टीस्पून हींग का पाउडर भी इसमें डाल दिया। इसके साथ हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लौंगी मिर्च मिला ली और हमने डाली है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल मिला रहे हैं। कुकिंग ऑयल 6 टेबलस्पून इसमें मिलाया है। आप किसी भी ब्रांड का कुकिंग ऑयल इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर डाला है बेकिंग सोडा, लगभग 2 पिंच के आसपास। बेकिंग सोडा इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चुटकी ही डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसमें पानी बहुत ही कम डलेगा, इसीलिए सावधानी से धीरे धीरे थोड़ा पानी ही इसमें मिलाएंगे। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद में इस तरह से हम चेक कर लेंगे। जब इसमें एक मुट्ठी सी बनने लगेगी, इसका मतलब इसमें मोइन परफेक्ट है। पानी हिसाब से ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाएंगे और डो तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है हमें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ढीला डो ही लगाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसे इस तरह से मिक्स करके थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लगा के इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। इतना मुलायम डो हमें रखना है। अब हम एक सेव बनाने की मशीन ले लेते हैं। इस तरह की कोई भी नमकीन बनाने वाली मशीन हर घर में मिल ही जाती है। इसमें जो सबसे बारीक छेद वाली जाली है, हमें उसी का यूज़ करना है। इस तरह से मशीन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर बारीक छेद वाली जाली इसमें फिक्स कर लेंगे। अब जो हमने नमकीन का डो बना के रखा था, उसे हथेली में इस तरह से थोड़ा सा लेकर मशीन में फिल कर लेते हैं। हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर आटे को उठाएं, ताकि ये आटा आपके हाथ में चिपके नहीं। इस तरह से मशीन को भर लेंगे और फिर उसे बंद कर लेंगे। इसे इस तरह से दबाकर चेक कर लेते हैं कि नमकीन अच्छी तरह से निकल रही है या नहीं। तेल गर्म हो चुका है। इस तरह से हम नमकीन को मशीन से बाहर निकालेंगे। मशीन को गोल गोल घुमाते जाएंगे और नमकीन बाहर आती जाएगी। तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ही हमें इसमें नमकीन डालनी है और फिर आँच को हल्की सी मीडियम कर लेंगे, और जब तक ये नमकीन पूरी तरह से सिक नहीं जाती, हमें इस तरह से उसको फ्राई कर लेना है। नमकीन जब सिकने लगेगी तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी ब्राउनिश दिखेगी, उस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा दबा के हमें तेल में उसे डालना है और फिर ऊपर से निकाल लेना है। नमकीन रेडी हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें सारी नमकीन बना लेनी है। नमकीन रेडी हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं कितनी सॉफ्ट और शानदार नमकीन तैयार हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।